नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट का जो 5 नवंबर को 2017 को जो पेपर हुआ है उसका हम क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। अब ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। 20 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। ये सीरीज दोस्तों है 20 20 सीरीज का। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके थे, 20 नंबर के क्वेश्चन के आगे चलते हैं और हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही है, 3 नंबर ऑप्शन ए बी एंड डी है ना दोस्तों। अब आते हैं नंबर क्वेश्चन पे 22 पे। 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम बी टू बिकम इफेक्टिव। चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर्स। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ये नंबर है ऑप्शन का 4 नंबर ऑप्शन सही है, ए सी एंड डी। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की जो करेक्ट है वो उसका ये है 4 नंबर ना दोस्तों। अब आते चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है, इन फाइनलाइजिंग ए थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट पेजेस। तो इसका दोस्तों आंसर है 3 नंबर ऑप्शन सही है, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। दोस्तों आते हैं जल्दी से 24 नंबर क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों आते 25 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमिलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग क्या लिखा है जी, हाँ सिचुएशंस। अच्छा सिचुएशंस, तो इसका है क्वेश्चन है ऑप्शन है इसका अप्लाइड रिसर्च है ना दोस्तों, और इसका है ऑप्शन 1 नंबर, सही ऑप्शन है 1 नंबर। और 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ए रिसर्चर्स अटेम्प्ट ए इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोनेंस ऑफ चिल्ड्रेन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों इसका है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। हाँ दोस्तों आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेप्टेबल टू द इशूज ऑफ रिसर्च इथिक्स। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन है, इन एक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सुमेटिव टेस्ट ऑफ टीचर्स इन इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल इवेडियंट इन बिहेवियर दिस विल बी कॉल्ड। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन सही है, नॉर्म्स रिफरेंस टेस्टिंग। 28 नंबर को दोस्तों क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन है 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर आंसर। अब आते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया एंड इशू मे बी मेड पॉसिबल। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 2 नंबर, कॉन्फ्रेंस। दोस्तों आते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन पे, एसरसर रीजन का क्वेश्चन है ये। तो एसरसन क्या कह रहा है, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। रीजन है जो इसका कह रहा है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। तो इसका जो दो ऑप्शन है तो इसका 4 ऑप्शन सही है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ऑकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाई। तो अब दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन दिए हैं, लैंड यूज चेंजेस ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन ओजोन डिप्लेशन एंड कंप्लीट नंबर डी में दिया है क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों जो सही हो रहा है वो ए सी एंड डी, और ऑप्शन है इसका 4 नंबर। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 32 पे, व्हाट इज द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस। तो वेब पेज एड्रेस का जो ऑप्शन होगा दोस्तों URL है ना दोस्तों, और जो आंसर सही होगा 3रा नंबर,
और आते हैं 33 क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज रिसीव्ड द विजिटर्स अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फेब 2017, तो 2016. नंबर इसका ऑप्शन का सही है ये 4 नंबर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज. ठीक है सर, ठीक है दोस्तों. अब 34 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री 2017 एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF. NIRF के द्वारा जो बेस्ट कॉलेज है वो कौन सा है? वो है मिरिंडा हाउस, दिल्ली. दिल्ली का मिरिंडा हाउस है, वो बेस्ट कॉलेज के उसमें अवार्ड में दिया गया है इसको. अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग. क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. तो गोल ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन से गोल हैं दोस्तों? इसके गोल हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है इसका, ए बी सी डी एंड ई. एफ क्वेश्चन जो ऑप्शन है एफ नहीं सही होगा. कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन नहीं है इसमें, हायर एजुकेशन के इसमें. अब दोस्तों आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे. अमंग द फॉलोइंग फ्यूल ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली. तो दोस्तों है हाइड्रोजन, है ना दोस्तों, ये बायोगैस और सीएनजी और इथेनॉल नहीं होगा. इसका ऑप्शन होगा 3 नंबर, इसका हाइड्रोजन. दोस्तों आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली एंड एज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा 1 नंबर ऑप्शन है, उसका सही है ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर है दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म्स करप्शन. करप्शन में कौन कौन से दोस्तों आते हैं? तो इसमें सभी आते हैं दोस्तों. 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है, ए बी एंड सी और डी. दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे. हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव द प्रेसिडेंटियल विदाउट पार्लियामेंट रिजोल्यूशन. तो दोस्तों इसका आंसर सही है 1 नंबर, गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑफ ए स्टेट. तो दोस्तों अब आते हैं 39 हो गया क्वेश्चन. दोस्तों अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे. इसमें एसरसर और रीजन दिया हुआ है. तो इसमें कह रहा है एन इन अर्बन एरिया स्मॉग एपिसोड ऑकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर. तो रीजन क्या है इसका? इन विंटर ए लोट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाई पीपुल फॉर हीटिंग पर्पज और टू कीप देमसेल्स वार्म. ना दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर सही है, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दोस्तों इसका फिर 41 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर. तो दोस्तों जिसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है 3रा नंबर, गीगाबाइट. अब आते हैं दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस. तो इसका दोस्तों है कार्बन मोनोऑक्साइड. नो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पे. दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज फॉर प्रॉफिट बिजनेस. दोस्तों इसका जो ऑप्शन है 43 का है, करेक्ट ऑप्शन है 3 नंबर, .com, कॉमर्शियल पर्पज से इसको यूज किया जाता है. अब दोस्तों आते हैं हम लोग 44 क्वेश्चन पे. द डेट स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ बिट्स. इसका जो ऑप्शन है 4 बिट्स, 4 ऑप्शन, 4 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, बिट्स एंड बाइट्स फील्ड्स रिकॉर्ड्स फाइल्स एंड डाटाबेस. तो इसका ऑप्शन होगा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, बिट बाइट फील्ड्स रिकॉर्ड्स फाइल्स एंड डाटाबेस. दोस्तों नंबर आते हैं 45 क्वेश्चन नंबर पे. व्हाट इज द फुल यूज ऑफ USB एज यूज इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज. तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा 2 नंबर ऑप्शन सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में. नमस्कार.